मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर की लड़ाई संसद से अब सड़क तक आई। राहुल गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास की दुहाई दिया है और पलटवार कर दिया है। आपको हम सुनवाते हैं और दिखाते हैं। हिंदुस्तान के बारे में नहीं था भाषण, नरेंद्र मोदी जी के बारे में था। वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं की का बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, सवाल ये है। अगर ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो ये पब्लिक मीटिंग में कहें। कभी भी ये लोग भारत माता और भारत माता की जय नहीं बोलते थे। मैंने बहुत बार, मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं, यही कांग्रेस के कालखंड में, कांग्रेस के सरकार के समय में भारत माता की जय बोलने के कारण केस लगा दिया गया। लेकिन वो लोग अभी भारत माता के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा साइन, एक तरह से अच्छा साइन है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत को, भारत माता को भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, मुझे क्या जवाब देने की जरूरत। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है, भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों।